अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहरीले और ख़तरनाक मखलूकात का जब तज़किरा हो तो सबसे पहले सांप ही का ख्याल जहन में आता है। सांप की दहशत इंसान पर हमेशा हावी रहता है, लेकिन बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जो सांप को भी काबू में रखते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ, तो आइए हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब। लोग ये सांप कहाँ से पकड़ते हैं और किस तरह पकड़ते हैं? हम इसको दम करते हैं, 6 महीना 7 महीना 8 महीने का दम होता है, समझे? अच्छा। जो सांप सिंध से पकड़ते हैं, हम फकीर लोग के जोगी है हम, समझे? अच्छा। बाकी सांप कैसा भी हमारे आगे ताकत भर आ गया तो हम उसको नहीं छोड़ते। हमारा छोटा बच्चा होता है न, अच्छा, वो भी पकड़ के लेके आता है इसको, समझे? अच्छा। ये तो काला सांप है, दरवेश साहब खजाने पे बेचता है, समझे? मगर उसमें एक जहर मोरा पत्थर निकलता है, वो काला होता है उसमें। अच्छा। जो हाँ सांप बांप बिच्छू वगैरह जो काटता है, कोसा भी सांप काट लेवे, जहरीला सांप काट लेवे, बिच्छू काट लेवे, जूम काट लेवे, सिर्फ उसके ऊपर रखो, सारा जहर खींच के नीचे ये गिर जाता है। कहाँ है वो पत्थर? है वो हमारे पास है, वो वाला चीज, समझे? जिसको बोलता है मार मोरख, सही है? अच्छा, वो यही है। हाँ, ये देख तू भरता जा ना। अच्छा। अभी इसी वजह से ये इसको बोलता है सौर मार, इसको बोलता है बलोची में सौर मार। इतना खतरनाक झोंप वाला सांप है, जो आदमी को काटे तो मना झोंप मार के ये काटता है। अच्छा। सीधा नाक से पकड़ता है। अच्छा। इतना इसमें जहर है, मगर दम के हिसाब से 6 महीना 7 महीने के हिसाब से ये मना काबू हुआ पड़ा हुआ है। अगर इस 6 महीने से ऊपर आप लोगों ने इसको अपने साथ आगे काट लिया, एक दिन भी आगे रखा तो मना ये बसकेगा नहीं। अच्छा। उस टाइम काट लेगा। बाकी हाँ, ये सांप बिच्छू वगैरह काट लेता है, इसका मनका इधर से निकलता है, ये जहर मोरा, ये जो सांप काटता है ना, अभी देखो तुम्हारे सामने, ये मुंह में डाल लिया, इसके अंदर से ये लगा दिया दांत, समझे? ये लगा दिया हिसाब से काट लिया, जैसे ऐसे समझ, दो धाक लग गए इसके अंदर, देख सही नमून से भर। हाँ जी जी। ये दो लगा दिया, ये जैसे इसके दांत लग गए इसके हाथ में। अच्छा, समझे जी जी। ताकि ये जहर मोरा पत्थर ये होता है हमारे मना खानदानी के हिसाब से। अच्छा। सांप काटे, बिच्छू काटे, जहरीला कैसा भी काट लेवे, सिर्फ उसको रखो ऊपर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ज्यादा इसके लिए। अच्छा। उधर से बंदा रोता आएगा खेत से और घर से दुआ करता जाएगा जिसके पास ये जहर मोरा है पत्थर। अच्छा। ये कितने का है, इसकी कीमत कितनी है? बस ये ऐसे समझ करोड़ का है, समझे? अच्छा। अगर कोई भाई बंदी हो जाता है तो फिर ऐसे मना इस तोहफे के तरफ से देते हैं, लाख देते हैं तो ये चीज़ हम नहीं देते हैं, मगर ये ऐसे समझ तो मना ऐसे समझ मना करोड़ के बराबर का, इंसान का जान का बता देता है ना, समझे? अच्छा। तो ये उससे हिसाब से होता है, जहर मोरा पत्थर इसको बोलते हैं, जो चिपड़ जाता है जहर। अच्छा। को खींचता है ये चीज़। अच्छा। अभी देख ये चिपड़ा तो इधर है वहाँ, मगर इसके सामने मना सारा जहर भी निकल के आ जाएगा बाहर। अभी ये चीज़ है वो पर, ये चीज़ है जो सांप वाम बिच्छू वगैरह काट लेता है, ये जहर अंदर सारा खींच लेता है, फिर कपड़े के ऊपर इसको लेके ऊपर ऐसे घसेगा ना जी, तो बिल्कुल ऐसे मना ये सारा जहर निकल के बाहर आ जाएगा इसका, जो भी इसका हिसाब किताब हुआ हुआ है, तुम देखो तुम्हारे आँखों से। जी 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 सर। हाँ देखो, ये देखो। जी 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 जी, सही सही सही। हाँ सही, सामने देखो, ऐसे कुछ ठगी नहीं है फकीरों के पास। हाँ फकीर है, मांग के खा लेंगे, बाकी ऐसा है हिसाब किताब, ऐसा चीज भेज जिसके पास वो घर के अंदर रखो। सही। ये इस सांप को काला सांप है, लेकिन क्या इनके अंदर भी कई नस्लें हैं या एक? हाँ, एक कोबरा होता है, एक मना होता है अच्छा धारी सांप होता है, एक मना काला होता है, और एक होता है सारे सांपों के ऊपर से मना कोबरा सांप, जिसमें जहर मोरा पौधा होता है, जो वो ये सांप है, इसका ये इधर से निकलता है मार मोरक। इसके आप जहर कैसे निकालते हैं? जो दांत है,
जहर नबेर नहीं निकालते हैं, पढ़ाई होती है इसके ऊपर। अच्छा, दम दस्तगीर का दम होता है। अच्छा, मार को सौगंध देते हैं। ये आप लोग कैसे ये समझते हैं कि आप लोग अमन को सौगंध दे रहे हैं, हम 7-8 महीने तक इनको नहीं डसेंगे? तो इसको पता पड़ जाता है, तो कहीं भी ये सौगंध देने से बाद इसको पता पड़ जाता है। किस तरह पता चलता है आप लोगों को? पता नहीं है हमको, पता पड़ता है ना। तो मना कींडा हम लगाते हैं, कींडे के अंदर आके बैठ जाता है ना जी, फिर मना वो जैसे मन दम हो गया इसके ऊपर। सही सही, लकीर बनाते हैं ऐसे उसके ऊपर से कुछ। ये सामने वाले क्या है? ये बीन है। हाँ, ये बीन करें। हाँ, ये बीन से पकड़ते हैं, बीन अंदर सुराख के अंदर हो जाता है, घर के अंदर होता है, बीन बजाते हैं, दम करते हैं, फिर बाहर के निकल के आता है। अभी दोबारा बीन, अभी बीन बजा सकते हैं आप? अभी बीन बजा सकते हैं, क्यों नहीं। इसका हिसाब किताब। अच्छा, मुकम्मल। कैमरामैन समीउल्लाह रोदिनी के साथ मैं हूँ मोहम्मद जकरिया, तशरीफ टीवी।